दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत हथियार लहराता हुआ युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस प्रशासन ने लिया संज्ञान। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय थाना में मनोज कुमार के द्वारा एक के आवेदन के वायरल वीडियो के आधार पर सौंपा गया है। इसमें दावा किया गया है कि मनोज कुमार को हथियार लहराते हुए व्यक्ति से जान का खतरा है। आपको बता दें, मनोज कुमार की मां वार्ड संख्या 3 दरभंगा नगर निगम से चुनाव लड़ रही है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर हथियार लहराने वाले युवक की पहचान करने में लगी हुई है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि वीडियो में वह कई व्यक्तियों का नाम ले रहा है, उन व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाएगी। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक युवक है जिसके हाथ में हथियार है और दूसरे युवक के सर पर रखा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि वह उसे धमकी दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाने में अपराधी इतना बेलगाम हो गया है कि विश्वविद्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर हथियार लहराता वीडियो वायरल होता है। या तो समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय थाने में अपराधी बेलगाम है और पुलिस कहीं ना कहीं बेबस दिख रही है। वीडियो एक वायरल हुआ है 18 तारीख को शहर में, और मामला यह है कि एक युवक जो है वो हथियार लहराता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों का नाम भी ले रहा है जो स्पष्ट नहीं है। इसी संबंध में यूनिवर्सिटी थाना में कंप्लेन दर्ज कराई गई है मनोज कुमार के द्वारा, जिनकी माँ वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी भी हैं नगर निकाय चुनाव की। अभी जांच पड़ताल चल रही है, पता किया जा रहा है कौन है। सर, जो युवक हथियार लहरा रहा है वो जान मारने का भी धमकी दिया है, तो क्या कुछ कार्रवाई देखा है? पहले उसको आइडेंटिफाई हो, फिर सूचना धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है इसका कोई इस तरह का आपराधिक कोई इतिहास भी रहा, कुछ पता किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सब पता पहले कौन आइडेंटिफाई हो उसके बाद ये सब पता चले। अभी तक पता नहीं चल पाया कहाँ के हैं ये लोग, और नहीं अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन का ही पता नहीं चल पाया और कहाँ के हैं। अभी तो वीडियो वायरल है, उसको हम लोग भी देख रहे, खंगाल रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जिनको भी जानकारी हो उस व्यक्ति के बारे में तो कृपया हमें दें।